साधारण निर्वाचन को दृष्टि रखिकी वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाउची। एही परिप्रेक्षी रे कटक कमिश्नरेट पुलिस पक्ष वर्तमान फ्लाग मार्च आरंभ करा जिवो एवं जोन 2 एवं 3 रो जो एसडीपी एवं थाना रो अधिकारी एवं ता सहित अतिरिक्त डीसीपी तरुण दास निजे उपस्थित अछन्ती एवं तांको नेतृत्व रे दरगाह बजार थाना लालबाग थाना कैंटनमेंट थाना रो अधिकारी माने एवं सही जोन रो जो अच्छा एसडीपी से उपस्थित रहे सहित सीआरपीएफ जवान से उपस्थित अच्छा से बर्तमान कटक सर फ्लाग मार्च बर्तमान करेंगे बर्तमान दृश्य आपको देखेबी और देखिपे सब सीआरपीएफ जवान मैंने उपस्थित होते जो मैंने सीधा सड़क भाव में फ्लाग मार्च बर्तमान करेंगे और पूरा सहर परिक्रमा करेंगे अर्थात जेहतु आज कटक सर चंडी छक फ्लाग मार्च टी बाहर की सीधा सड़क मिशन रोड सूताहाट ओलिया बजार गंगा मंदिर और दरगाह बजार निकट जाए पहुंच शांति श्रृंखला सह किप भावे निर्वाचन शेष हम ताक बर्तमान जेहतु लक्ष्य बर्तमान रखा जाए आपड़ सीधा सड़क दृश्य देखिपे एम समस्ते सीआरपीएफ जवान अच्छा जेहतु से आगामी जो निर्वाचन हम आसूच निर्वाचन में समस्त सुरक्षा दायित्व जेहतु रही है और आज मुतयन मतदान करेहतु जो निर्वाचन प्रक्रिया कौटा कौटे बर्तमान आरंभ हो शांति श्रृंखला सह निर्वाचन को किप समापन से नहीं बर्तमान लक्ष्य रखा जाए से किसी दिन पूर्व जातीय भारतीय जो जातीय निर्वाचन आयोग से किसी दिन पूर्व मार्गदर्शिका जारी करते अनुसार जेहतु पूरा पूरी भाव में शांति श्रृंखला सह किप भाव में निर्वाचन शेष हम ताक बर्तमान जेहतु लक्ष्य रखा जाए आपण मैंने सीधा सड़क दृश्य देखुए ये सब सीआरपीएफ जवान अच्छा समस्ते बर्तमान फ्लाग मार्च करेंगे सहर परिक्रमा बर्तमान करेंगे और जेहतु कटक सहर भितर भाईचारा सहर रही कि यार मध्य निर्वाचन जिते पाखी आसूसी माहौल जिते सरगरम हो उठी समस्त भितर भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया सामना को आसूच आम सहित अतिरिक्त डीसीपी अच्छा तरुण दास प्रतिक्रिया ना और जो मैंने सीआरपीएफ अधिकारी अच्छा से प्रतिक्रिया देते विभिन्न थाना आईसी मैंने उपस्थित रहेंगे एसपी मैंने उपस्थित रहेंगे आम आलोचना करेंगे आम सहित अच्छा अतिरिक्त डीसीपी तरुण दास अच्छा सर जो आज आरंभ हो फ्लाग मार्च और जो सहर परिक्रमा बर्तमान कर कौन बार्ता रही है जेहतु निर्वाचन बर्तमान आस शांति श्रृंखला किप निर्वाचन शेष जे आगामी लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन निम्ते इलेक्शन कमिशन गाइडलाइन अनुसार आम सीपी साहब निर्देश क्रमे आम डीसीपी कटक सर प्लानिंग अनुसार आज आम फ्लाग मार्च करने जाऊँ एथिरे आम बार्ता देवाक चाहूँ जे आगामी लोकसभा जनसाधारण मध्य गोटे कन्फिडेन्स मेजर क्रिएट कर आत्मविश्वास वातावरण सृष्टि लोक सहित इंटराक्शन कर आस्था भाजन हवाक चेष्टा कर प्लस आम टोपोग्राफी सहित एक्वेंटेड हबु अंचल रास्ता घाट सहित एक्वेंटेड हबु एवं आंटी सोशियाल जहाँ कहते असामाजिक तत्व से प्रति आम गोटे सन्देश दबू जे तुम मैंने आगामी लोकसभा निर्वाचन निम्ते तुम विरुद्ध विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करपकार कार्यकलाप जारी रखते फ्लाग मार्च में मुझ तो अच्छी एडिशनल डीसीपी तरुण कुमार दास आम लालबाग आईएसी अच्छा आरआई अच्छा अन्य कैंटनमेंट आईएसी आउ दरगा बजार आईएसी समस्त अच्छा आरंभ कर जवान सर कितने जवान रहे सब निर्वाचन वन कए आम पार्टिसिपेट कर आगामी दिन में आम संख्या आम यार वृद्धि करूँ अन्य सहर अन्न्य अंचल आम ये करूँ फ्लाग मार्च और अधिक संख्य पार्टिसिपेट कर अधिक संख्य सीआरपीएफ भाग ने जो मैंने सहर से शांति भंग करने चेस्टा करेंगे निर्वाचन समय से कौन बार्ता रहा कमिश्नर पुलिस से आम तरफ स्पष्ट और निर्दिष्ट बार्ता जे आम इलेक्शन आगामी इलेक्शन आम सुरखुर बाधा रही तो बाधा विघ्न रही तो इलेक्शन करने जेकोसी प्रकार गंडगोलकारी अशांति सृष्टिकारी विभाजन सृष्टिकारी को आम दृढ़ दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ प्रथम सन्देश मेसेज प्रथम सन्देश मेसेज थी कटक कमिश्नरेट पुलिस अतिरिक्त डीसीपी थे तरुण दास से जहाँ सीधा सड़क मत देखते जेहेतु जो मैंने शांति श्रृंखला को भंग करने चेष्टा करेंगे जेकोसी असामाजिक से विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण निर्वाचन को सुरखुर शेष करने शांति श्रृंखला शेष करने लक्ष्य रखा जाए सहित अच्छा सीआरपीएफ अधिकारी अच्छे प्रतिक्रिया ना सर ये जो आपकी कितनी टोली में कितने लोग हैं और क्या क्या आप लोगों को मैसेज दिया गया है क्योंकि शांति बजाय बनाए रखने के लिए जो अब चुनाव आने वाली है इसको लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ? शांति बनाए के लिए हमारी तैयारियां सिर्फ सिंपल है कि हम लोगों को जागरूक करना है और लोगों को विश्वास दिलाना है कि हमारा जो यहाँ डिप्लॉयमेंट है जिस तरह की हमारी ड्यूटी है तो किसी भी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व हो किसी तरह का गलत विरोध करने वाला समाज में लोग व्यक्ति हो उनको हमको चिन्हित करके और उनको हमारे जो एसपी साहब हैं उनको सुपुर्द कर देना है। में कितने जवान हैं और आप लोग
मतलब जो सुरक्षा के जिम्मेदारी में आप लोग कब से यहाँ पे आए हुए हैं? अब हम लोग 1 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ एक कंपनी है, पूरी हमारी कंपनी की नफरी है और जो ड्यूटी है वो ड्यूटी हमारी आज से स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे जैसे निर्देश आएगा वैसे वैसे ड्यूटी का आगे पालन होगा। आप लोगों ने तो आपका काफी अनुभव होगा क्योंकि इससे पहले भी आप लोग कई चुनाव में आप लोगों ने सुरक्षा वहाँ पे मतलब मुस्तैदी आप लोगों की हुई है, तो इस बार जो चुनाव यहाँ पे होने वाले हैं उड़ीसा में, उड़ीसा का तो आप लोगों को हिस्ट्री इतिहास तो पता है, तो इसको लेकर आप लोगों की तैयारी कैसी रहेगी? हालांकि यहाँ हमें उतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पीसफुल इलाका है। उड़ीसा का कुछ इलाका जैसे वो मलकानगिरी कोरापुट वो थोड़ा नक्सल इलाका है, वहाँ संवेदनशीलता ज्यादा है, वहाँ हमें सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ती है और हमने हर जगह ड्यूटी किया है, इलेक्शन करवाए हैं, बट यहाँ थोड़ा पीसफुल इलाका माना गया है। जैसा कि आगे से भी हम लोग जब स्टडी करते हैं एरिया को, क्षेत्रों को, तो यहाँ हमें ज्यादा ताकत का या फिर ज्यादा किसी तरह का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पब्लिक को एक संदेश देना है कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेस हम सबके सहायता के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेंगे उन लोगों को आप लोग उनके खिलाफ आप लोग कैसे कार्रवाई करेंगे? जो भी शांति या किसी तरह की कानूनी व्यवस्था को भंग करने का कोशिश करता है उसको मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करके हम आगे एसीपी के सर के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बारे ए थे सीआरपीएफ अधिकारी थे जहाँ किसी प्रतिक्रिया बर्तमान दौले जे जो माने निर्वाचन समय रे शांति भंग करने जो माने चेष्टा करेंगे से विरोध में दृढ़ कार्यानुषान जीतने सब सीआरपीएफ जवान मैंने बर्तमान प्रस्तुत होती जेहतु फ्लाग मार्च से बर्तमान बाहर और पूरापूरी भाव में परिक्रमा करेंगे और जेहेतु जहाँ पूर्व लक्ष्य रखा जाए निर्वाचन आयोग जहाँ पूरा मार्गदर्शिका रही शांति श्रृंखला सह समस्त प्रकार खास करके निर्वाचन प्रक्रिया को शेष करने लक्ष्य रखा जाए और सही लक्ष्य को पूरण करने वर्तमान कमिश्नरेट पुलिस पक्ष पूरापूरी भाव प्रस्तुति चूड़ान्त पर्यायर में पहुंची और से बर्तमान सहर परिक्रमा करके फ्लाग मार्च करेंगे। कटकु कैमरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।